हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फारा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है बच्चों से जब आप इंग्लिश में बात करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कॉमेंट और शेयर भी कीजिए। तो फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। चौकड़ी मार कर बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड। काफ़ी बार बच्चों को मम्मी बोलती है कि सिट क्रॉस लेग्ड, चौकड़ी मार कर बैठो। अपने कपड़े बदलो, ये भी सजेशन कई बार मिलता है मम्मी लोग से, तो उसकी इंग्लिश होगी चेंज योर क्लोथ। चेंज योर क्लोथ, अपने कपड़े बदलो। कुल्ला करो, रिंस योर माउथ। रिंस योर माउथ, कुल्ला करो। सुबह सुबह उठ के ब्रश करके कुल्ला करना होता है। वाई आर यू वीपिंग, तुम रो क्यों रहे हो। तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू वीपिंग। वाई आर यू वीपिंग, तुम रो क्यों रहे हो। Why are you crying? तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो। Why are you crying? Why are you crying? You are apple of my eyes. इसका होगा तुम तो मेरे आँखों के तारे हो। मम्मी लोग कई बार बच्चों से प्यार से बोलती हैं ये, तो उसकी इंग्लिश होगी यू आर एप्पल ऑफ माई आइज। अपनी किताब मत मोड़ो, डोंट फोल्ड योर बुक। डोंट फोल्ड योर बुक, काफ़ी बार बच्चे मोड़ देते हैं बुक, तो मम्मी बोलती है डोंट फोल्ड योर बुक। मुझे तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो। जाओ और नहा लो, गो एंड टेक अ बाथ। गो एंड टेक अ बाथ, जाओ और नहा लो, गो एंड टेक अ बाथ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस। वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग दिस। स्कूल कैसा था, हाउ वॉज द स्कूल। जब पहली बार बच्चे स्कूल जाते हैं तो मम्मी, जब लौट के आते हैं तो मम्मी पूछती है स्कूल कैसा था, तो हाउ वॉज द स्कूल। पहले अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट। कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट, पहले अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क फर्स्ट। पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहनो। कुछ भी कपड़े पहनने होते हैं तो उसको बोलेंगे पुट ऑन, पुट ऑन योर शर्ट। लंच में तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फॉर द लंच। व्हाट डू यू वांट फॉर द लंच, लंच में तुम्हें क्या चाहिए। अपनी बुक के पेजेस मत फाड़ो, डोंट टियर पेजेस ऑफ योर बुक। डोंट टियर पेजेस ऑफ योर बुक, अपनी बुक के पेजेस मत फाड़ो। यह सोने का समय है, इट्स टाइम टू स्लीप। इट्स टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय है, इट्स टाइम टू स्लीप। तुम सो क्यों नहीं जाते, काफ़ी बार बच्चे परेशान कर देते हैं तो मम्मी बोलती है तुम सो क्यों नहीं जाते हो। वाई डोंट यू स्लीप। वाई डोंट यू स्लीप, तुम सो क्यों नहीं जाते। मैं इंटरनेट बंद करने जा रही हूँ, काफ़ी बार बच्चे मोबाइल में ही बिजी रहते हैं तो मम्मी बोलती है, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द इंटरनेट। आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ द इंटरनेट, नहीं अब देर हो चुकी है। काफ़ी बार कुछ ऐसा काम होता है करने को होता है लेकिन लेट हो जाती है, तो उसकी इंग्लिश नो इट्स लेट नाउ। नो इट्स लेट, देर तक मत रुकना, कहीं जाना होता है तो मम्मी बच्चे से बोलती है देर तक मत रुकना, तो उसकी इंग्लिश होगी डोंट स्टे अप लेट। डोंट स्टे अप लेट, देर तक मत रुकना। अब तुम्हें सो जाना चाहिए, यू शुड स्लीप नाउ। यू शुड स्लीप नाउ, तुम्हें सो जाना चाहिए, यू शुड स्लीप नाउ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और सजेशन भी दीजिए मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।